हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक आई शैडो पैलेट रिव्यू, जो कि अभी करंट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैक्सिमम लोग के पास होगा ये आई शैडो पैलेट, जिसका नाम है ब्यूटी ग्लेज्ड, और बहुत सारा वेबसाइट में ये अवेलेबल है, बट हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है और हर जगह का वेबसाइट में अलग अलग प्राइस भी है। जैसे लाइक अगर पर्पल में तो 2000-3000 समथिंग है, सब जगह अलग अलग प्राइस पे है। और मुझे ये मिला है अमेजोन में और इसका प्राइस है 700। तो पता नहीं इतना सस्ता में मिला है तो कैसा होगा, क्या होगा नहीं मालूम, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। मैं इसका पैकेज खोलकर देख ली हूँ, बट अंदर का अभी नहीं खोली हूँ कि कैसा है, मैं वो खोलकर ओपन करके नहीं देखी हूँ, तो मैं आप लोग के साथ खोलूंगी। तो कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था, आप देख सकते हैं। एंड तो ये बबल रैप से रैप किया हुआ है और बहुत अच्छे से रैप किया हुआ है और बहुत ज्यादा ही किया हुआ है, ताकि जो आई शैडो पैलेट है वो उसको कुछ भी नुकसान ना हो, टूटे फूटे ना। तो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है कलर बोर्ड, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा अभी तक पैकेज है, क्योंकि रिसेंटली मुझे रिसीव हुआ है, बट मैं इसको ओपन करके नहीं देखी हूँ। मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं। एंड हर वेबसाइट पे इसका अलग अलग प्राइस है, तो थोड़ा प्राइस के लिए डाउट भी होता है कि पता नहीं ये ओरिजिनल है भी या नहीं। तो खोल कर देखते हैं कि इसका क्या है, कैसा है, उसके बाद पता चलेगा कि ये कैसा पैलेट है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसको मैंने ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं, टन टना, वाह, इसमें चार पैलेट मिलता है आपको, चारों अलग अलग कलर्स का है। और सबसे पहले जो है इसमें वो है ग्रीनिश में, पूरा ग्रीन कलर का है, आप देख सकते हैं। इसमें सारा ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ऊपर में येलो शेड है और साथ में ग्लिटर भी है, दो तीन आपको ग्लिटर सेट भी मिलता है। और सेकेंड जो है वो है ऑरेंज टोन में, इसमें सारा आपको ऑरेंज टोन में मिलेगा और इसमें भी ग्लिटर, दो तीन ग्लिटर का सेट दिया हुआ है। थर्ड जो है वो है ब्लूइश टोन में, एंड इसमें भी दो ग्लिटर सेट मिल रहा है आपको। एंड लास्ट जो फोर्थ है वो है पर्पल टोन में, और इसमें भी आपको दो ग्लिटर सेट में मिल रहा है। वैसे तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। बट इसका पिगमेंटेशन कैसा है, तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें से हम तीन कलर पिक करते हैं, तो ये तीन कलर मैं आपको लगा के दिखा। मैं बहुत हल्का सा लेकर इसको हाथ पे दिखा रही हूँ, और सेकंड में ऑरेंज का भी दो तीन कलर पिक करके देख लेती हूँ, लेकिन उससे पहले हाथ क्लीन कर लेते हैं। एंड लास्ट अब दिखाती हूँ पर्पल। तो इसका जो अभी तक मैं फिंगर से ले रही हूँ, तो इसमें जो कलर्स है, जो पूरा मैट है, वो बहुत अच्छे से फिंगर पे भी उड़ जा रहा है, बट जो थोड़ा सा शाइनिंग कर रहा है, ये सब कलर, ये सब उतना अच्छे से पिक नहीं हो रहा है। अब पता नहीं ब्रश से होगा तो मुझे नहीं मालूम। तो अब ग्लिटर, जितना भी ग्लिटर है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि उसका वो कैसा है, ग्लिटर का वाला भी चेक कर लेते हैं कैसा है। मैं बहुत हल्का हल्का सा पिक करके दिखा रही हूँ। एंड जितना भी ग्लिटर का आप देख रहे हैं, सारा बहुत अच्छे से पिक हुआ है, बस ये ग्रीन वाला उतना अच्छा से नहीं हुआ है, और मैं बहुत हल्का सा लेकर भी कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं ये सारा कलर्स ग्लिटर में है, कलर सारा नो डाउट कि बहुत खूबसूरत है, बट इसमें ब्लैक का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ना ब्लैक आई शैडो का कुछ भी, ब्लैक टोन का नहीं है, सारा कलरफुल ही है।
एंड अपना बेस मेकअप कर चुकी हूँ, बट आईज और लिप्स को मैं अभी तक नहीं की हूँ, तो अभी इससे मैं अपना आईज मेकअप भी करके देखती हूँ कि आईज पे कैसा होता है, ब्रश से कैसा उठता है। तो मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग करूंगी, तो मैं ग्रीन ही करती हूँ। तो अब इसी से मैं अपना आईज मेकअप करती हूँ, तो सबसे पहले मैं ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूंगी। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज शेड में से ये ट्रांजिशन कलर पिक कर अप्लाई कर रही थी, और ये हो गया। अभी मैं ग्रीन में से ये वाला ग्रीन शेड अप्लाई कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं पूरे आईलिड पे इसको अप्लाई करूंगी। ये ग्रीन वाला जो पैलेट है, इसमें से जो मैंने ये पिक की थी, ये अजीब ही सा कलर है, मतलब ना वो फिंगर से अच्छा से अप्लाई हो रहा है, ना वो ब्रश से अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं। एंड इसलिए अब उसको छोड़ते हैं और ये वाला ग्रीन अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करूंगी। एंड अब मैं इसी ग्रीनिश में से ये जो मल्टी कलर का ग्लिटर वाला आई शेडो दिया है, इसको पिक करके अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। तो ये आईज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह मैं दूसरे आईज में भी अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे आइकॉनिक का ब्लैक काजल से अपने अपर लैसेस और लोअर लैसेस को फिल कर लूंगी अच्छे से। फेसेस का मस्कारा यूज कर रही हूँ। तो मेरा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट, और मैं यहाँ पर कोई भी आईलाइनर और फॉल्स लेसेस यूज नहीं की, बस ऐसे ही करके दिखाई कि कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अब मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉरएवर 21 का न्यू लिपस्टिक लगा रही हूँ। सो ये कंप्लीट हो गया, एंड आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दिख रहा है। बहुत शॉर्टकट वाला आई मेकअप भी मैं आप लोग को बता दी हूँ, अगर आप लोग ऐसा भी करते हो तो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो अब आते हैं ये आई शेडो पैलेट पे। तो मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, बट इसमें जो कुछ कुछ कलर्स है, जो हर एक पैलेट में कुछ कुछ वैसा कलर्स है जो ना ही फिंगर के हेल्प से पिक हो रहे हैं और ना ही ब्रश से, तो कोई कोई कलर है लाइक ग्रीन का ये कलर है जो अच्छे से पिक नहीं हो रहा है, ना ही फिंगर से ना ही ब्रश से, बस ये एक दो कलर में वैसा प्रॉब्लम है, बाकी ओवरऑल किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैट भी बहुत अच्छा है, इसका ग्लिटर भी बहुत अच्छा है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि ग्लिटर वाला जो आई शैडो होता है, ग्लिटर ऊपर में रहता है लेयर, उसके बाद से वो क्रीमी रहता है, जो कि एकदम बेकार हो जाता है, नहीं अच्छा से लगता है। बट इसमें पूरा मैंने अपना फिंगर का नेल्स इसको अंदर डालकर देखा, बट वो पूरा अंदर तक है, और इसको अप्लाई भी की हूं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कुछ कम प्राइस में आई शैडो लेना चाहते हो, तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। एंड आई होप कि मेरा ये रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।